केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का ट्वीट सामने आया है। जी हां, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि हरियाणा में कुछ दिनों से अपराध बढ़ा है, कुछ दिनों में अपराध बढ़ा है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीरेंद्र सिंह का ये ट्वीट सामने आया है और कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, सामाजिक चिंतन भी किया जाए, सामाजिक चिंतन किया जाए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। खुद बीरेंद्र सिंह ने यह माना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का ये ट्वीट है। बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कुछ दिनों में अपराध बढ़ा है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और सामाजिक चिंतन की भी जरूरत है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर युवक की पिटाई की जाती है। कभी दर्जन दर्जन लोग आकर एक बेसहारा युवक को पीट देते हैं, तो कभी महिलाओं को पीटते हुए के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, तो कभी पुलिस को लेकर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था लचर होती नजर आ रही है और ये ट्वीट किया गया है बीरेंद्र सिंह के द्वारा। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में यकायक बड़ी आपराधिक घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। प्रशासन को कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने के अलावा हमें सामाजिक तौर पर चिंतन करने की जरूरत भी है। ये वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी चिंता जताई है। और इसी खबर पर संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, आपकी सरकार है, जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी अपराधों की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है, अब उसमें खुद वीरेंद्र सिंह भी चिंतन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो आपराधिक घटनाएं जिस तरह की हो रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कोई गैंगवार हैं या कोई बड़े कोई इस तरह के मामले हैं कि मर्डर्स हो रहे हैं। आपसी रंजिश के कुछ झगड़े हैं जिन झगड़ों के कारण से इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है। आप वीरेंद्र सिंह जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है जी? संजय शर्मा जी, बेहतर अगर बेहतर स्थिति है लेकिन काफी नहीं है, ये आप भी जानते हैं क्योंकि आपको भी ये अच्छे से पता है कि आप ही के गनमैन पर भी कल रात को हमला हुआ है। ऐसे में जब आपके करीबी लोग सुरक्षित नहीं है तो आमजन का क्या हाल होगा? हाँ जी, मान सकते हैं कि जब जो अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है वो घात लगाकर इस तरह के हमले करता है, हर समय आदमी कोई चौकस नहीं रहता कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, कुछ होने वाला, ऐसी अचानक कुछ घटनाक्रम हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब होने की बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत है या उसकी कोई स्थिति खराब है। जी संजय शर्मा जी, मान लेते हैं, लेकिन अभी पुलिस के भी कुछ वीडियो सामने आए थे जिनमें पुलिस के द्वारा ही बदसलूकी महिलाओं के साथ की गई थी, आपको वो तो याद होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये गंभीर मामले हैं, सरकार ने इन बातों का संज्ञान लिया है और ऐसे जिन लोगों ने भी इस तरह का किया उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई सरकार ने की है। जी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है संजय शर्मा जी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है अभी और ऐसे में विधानसभा चुनाव भी अब सामने है, ये एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाए और ऐसे में आप लोगों को एक बेहद मजबूत रणनीति की जरूरत है अपराध के खिलाफ। क्या कुछ कदम आपकी ओर से उठाए जाएंगे? देखिए, हमने हमारी सरकार जब से आई है हमने पुलिस की भर्ती के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। लगभग 10,000 के आसपास कांस्टेबल्स की भर्ती हमने कर ली है और 5,000-6,000 कांस्टेबल्स और भर्ती कर रहे हैं जी। और महिला थाने हमने हरियाणा के अंदर खोले हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा की बात हम कर सकें। जब हमारी सरकार आई थी केवल 2 महिला थाने थे, आज 30 महिला थाने हैं हरियाणा के अंदर। संजय शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ, इनेलो से सतबीर सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतबीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम खबरें अभी तक पर। आपको बीरेंद्र सिंह के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और जो अचानक से अपराध बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर लेनी चाहेंगे। देखिए दीपशिका जी, हरियाणा में जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है 2014 से लेके जी और अब तक महिलाओं के प्रति जो अपराध है, रेप की जो घटनाएं हैं, डबल जस्ट डबल हो गई, डबल से ज्यादा आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े। और छेड़छाड़ की का बात करें तो कई गुना वृद्धि हुई है। और एससी एसटी तो हरियाणा में नहीं है, एससी के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं है उसमें भी कई गुना इजाफा हुआ है। कहीं भी देख लीजिए, जितने भी इंडिकेटर्स हैं गवर्नेंस के, इसके लाइन ऑर्डर के, वहाँ बहुत बुरी तरह से, मतलब जो है ना, ये बात जो कह रहे हैं ना, भर्तियां कर रहे हैं, पुलिस की भर्ती कर दी, थाने बढ़ा दिए, इससे थाने गैर उससे नहीं कंट्रोल होता। कंट्रोल होता है आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप आपकी गवर्नेंस का लेवल क्या है, आपकी सोच क्या है, उस पर निर्भर करता है ये बात जी। ये कह देना कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी आप ही की सरकार देती है और अभी सतबीर जी कह रहे हैं कि बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, जो उसकी उसकी अनुभव क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है और वो कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी क्या है।
जी सतपीर सैनी जी, संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए। संजय शर्मा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी किसी और ने नहीं आपके सरकार ने दिया, लेकिन सतपीर सैनी के अनुसार बेटियां ही सुरक्षित नहीं और सरकारी आंकड़े वो अभी बता रहे हैं। जी नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं है हमारी, मेरी कमिटमेंट है। इसीलिए हमने बेटियों को ये मौका दिया है कि अगर उनके खिलाफ कोई अपराध होता है तो वो तुरंत जाकर के उसको रजिस्टर करवाएंगे। अब जिस तरह की बात सतवीर जी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार के समय थानों को विशेष हिदायतें थी कि लोग आते हैं तो उनको उनके मुकदमे दर्ज नहीं करने, उनकी कंप्लेंट्स नहीं लेनी, इसके कारण जो अपराध का कितना वो है। बात कर रहे हैं ऑनलाइन लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर करके। चलिए आप दोनों के पास आएंगे। इसी बीच हमारे साथ लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी बेहद स्वागत करेंगे हम। खबर अभी तक पर आपसे जानना चाहेंगे, बीरेंद्र सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि दुरुस्त करेंगे, अपराध जो एकाएक बढ़े हैं हरियाणा में उसको लेकर चिंता उन्होंने व्यक्त की, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जी। और ये तो मैडम आपने देखा है, जब जाहिर है यहाँ संजय शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने देखा है हरियाणा में पिछली सरकार में तीन तीन बड़े दंगे हो चुके हैं और 70 लोगों की दंगों में जान जा चुकी है। उसके अलावा डेली डेली कहीं ना कहीं ऐसा बुरा हाल हो रहा है, ओपन हत्याएं हो रही हैं, तो कहाँ है मुख्यमंत्री जी और कहाँ, क्यों वो गृह विभाग को अपने से छाती से लगाए हुए हैं, क्यों ना छोड़ दें उसे? हाँ, अभी विधानसभा चुनाव आने हैं, विधानसभा चुनावों में अक्सर बीजेपी के पास, चाहे लोकसभा चुनावों की बात कर ली जाए या फिर अन्य चुनावों की बात कर ली जाए, बीजेपी के पास एक अच्छे प्रबल मुद्दे रहते हैं। क्या ये मुद्दा आप लोगों के लिए काफी होगा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए? नहीं, मुद्दा चुनाव तो लोगों का विकास करना है, सुरक्षा व्यवस्था हमें देनी है, बिल्कुल है, मुद्दे हैं, लेकिन सरकार अभी है और जो हालिया सरकार है उसका फर्ज बनता है लोगों की। प्रदीप हुड्डा शुक्रिया और संजय शर्मा भी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ सतबीर सैनी भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीरेंद्र सिंह का ये ट्वीट सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक चिंतन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अपराध बढ़े हैं और इससे वो चिंतित भी हैं।